शासन की भी मंशा है कि महिला समूहों को ज़्यादा से ज़्यादा आजीविका से जोड़ना। तो शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी का 100% क्रियान्वयन करना प्राथमिकताओं में शामिल होता है, लेकिन यदि आप कहेंगे कि सर्वोच्च प्राथमिकता या इसे जो कि बिल्कुल सबसे पहले उसको देखने की जरूरत है, तो जैसे अभी राज्य शासन की और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि अपने जो गोठान हैं उनको आजीविका के केंद्र बनाया जाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, मल्टी एक्टिविटी सेंटर बनाया जाए, वहाँ पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाए, तो उसके लिए चूंकि कोरबा संसाधन संपन्न जिला है उसमें हम लोग फोकस करेंगे कि मल्टी एक्टिविटी सेंटर के माध्यम से गोठानों में आजीविका के नए नए केंद्र सृजन हो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले महिलाओं को। सर, CSR भी यहाँ पर और हेल्थ के क्षेत्र में बहुत काम दिखता है सर, तो हेल्थ को लेकर भी कोई नई मुहिम चलाई जाएगी? हेल्थ और एजुकेशन ये हमेशा से जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें प्राथमिकता पे रहता है, तो और हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें सतत कुछ नया करने की आवश्यकता रहती है, तो यहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेफिनेटली वो प्रायोरिटी में रहेगा हेल्थ और एजुकेशन। सर, आपने खुद बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में किया था, 2 साल बाद यहाँ के स्कूलें भी खुल गई हैं सर प्रदेश की, उस शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर किस तरह से नए पहल किए जाएंगे सर? 2 वर्ष जब कोविड के कारण सारी चीज़ें डिलेड हो गई थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी और एजुकेशन के, तो उसमें निश्चय ही वो चूँकि ऑफलाइन ऑनलाइन का मोड चल रहा था एजुकेशन का, बच्चों को पता नहीं था कि कब स्कूल जाना है, टीचर्स भी हमारे नए नए नवाचार करके बच्चों को किसी भी तरह से उसको जोड़े हुए थे। अभी 2 साल के बाद फिर से स्कूल नॉर्मल ऑफलाइन मोड में आए हैं, तो अब अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स सभी जो मंशा है कि अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो स्कूलों में, तो उसका हम लोग कोशिश करेंगे कि सुनिश्चित करवाएंगे। सर, DMF एक कोरबा में एक सर बड़ा विषय रहा है, तो इस पैसे से सर किस प्रकार के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी सर, आपकी क्या प्राथमिकता है? DMF में बड़े स्पष्ट गाइडलाइंस हैं कि कौन से काम लिए जाने हैं, कहाँ पर खर्च किया जाना है, एक एक चीज़ के गाइडलाइंस बने हुए हैं, उसी गाइडलाइंस के तहत काम होता है और आगे भी उसी के हिसाब से।